कृष्ण वसुदेव और देवकी की आठवीं संतान का। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के आठवें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भाड़ो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के दर ऐसा ही वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता था। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं था। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शक्तासुर, तृणावर आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रणक्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र था के समय ऐसा ही कलियुग का आरंभ माना जाता है।